आज शहीद भगत सिंह सेवा दल का 167th ब्लड डोनेशन कैंप है। और आज कमाल की बात है कि मैक्सिमम महिलाओं ने यहाँ पे रक्तदान किया। ये ब्लड जो आज कलेक्ट होगा वो लेडीज के लिए रिजर्व रहेगा। महिलाओं ने बहुत आगे बढ़कर कदम उठाया है, इस ब्लड से कितनों की जान बचाई जाएगी। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं। ऑफकोर्स सबको करना चाहिए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी है और गुड इनिशिएटिव। एक्चुअली सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगेन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन दिस एंड आई एम सो ग्लैड फॉर शहीद भगत सिंह सेवा दल इनिशिएटिव। इस ब्लड कैंप में महिलाएं ब्लड देने आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। आज शहीद भगत सिंह सेवा दल का 167th ब्लड डोनेशन कैंप है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप। और इस ब्लड कैंप की खासियत ये है कि इस ब्लड कैंप में महिलाएं ब्लड देने आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरी महिलाओं की टीम यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, ये पहली खासियत। दूसरी खासियत कि जो ब्लड इस कैंप में इकट्ठा किया जाएगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। जिस तरीके से हमारी लेडी पिंक एम्बुलेंस महिलाओं के लिए समर्पित है, वैसे ही हमारा लेडी पिंक ब्लड बैंक लेडीज़ के लिए समर्पित है। दोस्तों, अलग अलग तरीके से लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को, और महिलाओं ने एक नायाब तरीका निकाला, पहले तो पिंक एम्बुलेंस का और अब फिर रक्तदान का। और आज जो 167वां रक्तदान शिविर हो रहा है शहीद भगत सिंह सेवा दल का, और आज कमाल की बात है कि मैक्सिमम महिलाओं ने यहाँ पे रक्तदान किया। और रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको या तो इंसान दे सकता है या भगवान, बीच में कोई जरिया नहीं है। और रक्त देने वाले को कोई फर्क भी नहीं पड़ता जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 103 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। अभी भी दिल करता है कि मैं रक्तदान करूँ, क्योंकि कभी महसूस नहीं हुआ कि रक्त देने से कभी कोई दिक्कत आई हो, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रक्त नहीं देते उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी का तो हीमोग्लोबिन जो है 90 तक चला जाता है, 19 तक, तो उनको बहुत परेशानी होती है, ब्लड कैंसर भी हो जाता है उनको। एक रक्तदान करने से आपको कई चीज़ों से छुटकारा मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल की खुशी, ये अलग ही चीज़ है जी। ये ब्लड जो आज कलेक्ट होगा वो लेडीज़ के लिए रिजर्व रहेगा। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ डिलीवरी होनी है, एनीमिक कोई लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, कैंसर पेशेंट्स, किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट केस है और ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, आगे डेंगू का सीज़न भी आ रहा है, तो ऐसे में हम जो ब्लड ये कलेक्ट कर रहे हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। महिलाएं ही ब्लड दे रही हैं, महिलाओं के ही ये ब्लड काम आएगा। एक बहुत नायाब, बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बहनों के लिए का स्पेशल योगदान है इसमें। भाई तो दे ही रहे हैं ब्लड और बच्चे भी दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने बहुत आगे बढ़कर कदम उठाया है, इस ब्लड से कितनों की जान बचाई जाएगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि भगवान के बाद सीधा एक इंसान है जो ब्लड दे सकता है, तो आज ये जैसे कि हमने कहा था कि बहनों के लिए कोटा रिजर्व करवाया है, आज वो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी बहनें भी बहुत खुश हैं और भाई और बच्चे भी बहुत खुश हैं। आप ब्लड दे रहे हैं आज, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। तो आपको पता है ये आपका जो ब्लड आप दे रहे हैं ये महिलाओं को ही काम आएगा आगे, कैसा जानकर लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनिशिएटिव कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं कोई कमजोरी तो महसूस नहीं? नहीं, नहीं कोई कमजोरी नहीं, बिल्कुल सेफ, हेल्दी, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है इससे। और आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी। तो घर का काम करती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जाके? आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज जी, क्या ये आपका फर्स्ट है? फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। आपको शायद बताया गया होगा कि ये जो ब्लड हम आज इकट्ठा कर रहे हैं ये लेडीज़ के लिए ही रिजर्व है। बहुत अच्छा, प्राउड फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सबको करना चाहिए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी है और गुड इनिशिएटिव, थैंक यू सबके लिए। कोई कहते हैं कि बड़ा ब्लड देने से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं,
करेंगे, जबकि अच्छा आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, हर 3 मंथ्स बाद आपको डोनेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ, उल्टा और अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने फर्स्ट टाइम किया? यस, इट्स माय फर्स्ट टाइम। हां जी। हाउ आर यू फीलिंग? आई फील वेरी वेरी गुड एंड आई एम एक्चुअली सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगेन। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन दिस एंड आई एम सो ग्लैड फॉर शहीद भगत सिंह सेवादल इनिशिएटिव दैट आई गॉट इंस्पायर्ड टू डू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। आई हैव नेवर डन इट बिफोर, ऑलवेज वॉन्टेड टू, बट यस, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग द यूथ लाइक मी। हाउ डू यू फील? द ब्लड यू हैव डोनेटेड इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर लेडीज, तो लेडीज का ब्लड लेडीज के लिए कैसा लग रहा है? That is even better. I think Manjeet Kaur Shanti ji ka initiative is helping a lot of ladies. I'm so glad that the blood that we're donating today is going to be reserved only for ladies. Another great initiative, ma'am, and I'm so happy to contribute to this initiative. First experience acha raha? Arey, definitely, definitely. Thank you. Ki rakt data hai, jeevan data. उससे बढ़कर सिर्फ विधाता, यानी या ईश्वर या इंसान, बीच में कोई जरिया नहीं है जी, कोई पौधा कोई जंतु ऐसा कोई नहीं। जापान जैसे मुल्क भी रक्त का निर्माण नहीं कर पाया, आविष्कार नहीं कर पाया, इसलिए आप भी रक्तदान कीजिए। एक रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचती है, साल में 4 बार कर सकते हैं। कोई भी 18 साल से 62 साल के बीच का व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है अगर वो स्वस्थ है। आज ये लोग, ये महिलाएं, माताएं, बहनें जो खून देने आई हैं, ब्लड डोनेट करने आई हैं, ये ईश्वर का रूप बन के आई हैं, क्योंकि इनका दिया हुआ खून किसी की जान बचाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ एक से एक, एक ब्लड से कई लोगों की जान बचती है। किसी को प्लाज्मा, किसी को प्लेटलेट्स, किसी को होल ब्लड चढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो ये लोग मिल के आज कई लोगों की जान बचाएंगे। महिलाओं के लिए हमारी लेडी पिंक एम्बुलेंस और हमारा लेडी ब्लड बैंक तत्पर है। आपको भी अगर शहीद भगत सिंह सेवा दल की इस लेडी पिंक एम्बुलेंस, ये लेडी ब्लड बैंक में जुड़ना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8750674433, 9999799743। आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, करता हूँ कि आप भी रेगुलर रक्तदान करिए। ब्लड डोनेशन इज एब्सोल्युटली 100% सेफ एंड हेल्दी। भारत माता की जय।